वेलकम, आज की क्लास में आप सब लोगों का स्वागत है। इस समय मैं आपको एनवायरनमेंट में अपेक्ष यानी कि जो इधर लगातार हुए कुछ वर्षों में पिछले कुछ दशकों में या यूं कहें कि बड़ा 5 दशकों में वैश्विक समुदाय द्वारा एकीकृत होकर के जो बहुत से वैश्विक सम्मेलन किए गए पर्यावरण को क्षति से रोकने के लिए, उनकी एक समरी के साथ आज आप क्लास स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे 1971 में हुए रामसर सम्मेलन जो कि ईरान में हुआ, जिसका प्रमुख उद्देश्य आर्द्र भूमियों को संरक्षण प्रदान करना था। तो ये देखा जा रहा था कि भाई विकास के इस अंधाधुंध दौड़ में हम जो आर्द्र भूमि है, जो वेटलैंड है, जो कि उपजाऊ भूमि है, उसको विभिन्न प्रकार के औद्योगिक गतिविधियों के तहत नष्ट करते जा रहे हैं। तो वैश्विक समुदाय को सचेतना, वैश्विक समुदाय को एक करना, उन्हें बताना कि इस आर्द्र भूमियों को हमें जितना हो सके सुरक्षित रखने का प्रयास करना चाहिए, इस दृष्टिकोण से यह सम्मेलन गठित किया गया था। इसके बाद वैश्विक समुदाय संयुक्त राष्ट्र तत्वाधान के अंतर्गत गठित स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 में एक बार पुनः एकत्रित होता है और इस बार एक प्रकार से पूरा विश्व एक साथ किसी एक राष्ट्रीय मुद्दे, एक अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर एकीकृत होता है। और यहाँ पर था विश्व के पर्यावरण के प्रति सचेतना, यानी विश्व को पर्यावरण के प्रति सचेतना की जो पर्यावरण डिग्रेडेशन हो रहा है और किस प्रकार से पर्यावरण को हम लगातार बीमार करते जा रहे हैं, प्रकृति को नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं, इसमें सुधार के दृष्टिकोण से ये एक बड़ा वैश्विक सम्मेलन माना जाता है। इसके बाद साइट्स 1976 में, जिसका उद्देश्य था वैश्विक विश्व में एंडेंजर्ड स्पीसीज, जो विलुप्त प्राय प्रजाति हैं, वाइल्ड फौना और फ्लोरा के संदर्भ में उनकी सुरक्षा, उनको सुरक्षित करना, उनका विकास करना। मेन उद्देश्य था वन्य जीव संरक्षण और विश्व को वन्य जीव संरक्षण का एक दृष्टिकोण से एकीकृत करना गया इस साइट सम्मेलन के माध्यम से, जो कि वाशिंगटन में गठित हुआ था। वियना सम्मेलन की बात आती है, 1985 में गठित हुआ, जो विश्व मंच था, पहला विश्व मंच ओजोन परत की सुरक्षा के लिए गठित किया गया। ये देखा गया कि ओजोन परत डिप्लीट हो रहा है और लगातार ओजोन लेयर जो है वो गलती जा रही है, घटती जा रही है, बिगड़ती जा रही है, ओजोन परत की संरक्षण के दृष्टिकोण से वियना सम्मेलन 1985 किया गया, जिसमें विश्व को सचेता जा सके ओजोन परत के संरक्षण के लिए। इसके एक वर्ष बाद ही भारत ने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 अपनाया, जो कि उसी समय भोपाल गैस त्रासदी को ध्यान में रखते हुए संविधान के अनुच्छेद 253 में संशोधन के उपरांत बनाया गया। और इसके तहत भारत में बहुत से कानून उसको इसके अंतर्गत समाहित कर दिया गया, जैसे जल कानून और वायु कानून, ये सभी चीजें इस वाटर एक्ट और एयर एक्ट, ये सभी जो है इस एक्ट के अंतर्गत सम्मिलित हो गए, इसलिए इसे एक अम्ब्रेला एक्ट भी कहा जाता है। फिर चलते हैं वापस वैश्विक परिदृश्य पे, जो उसी समय घटित हो रहा था, वो 1987 में एक वैश्विक सम्मेलन जिसे ब्रुटमैन कमीशन कहते हैं। कई मायने से ये महत्वपूर्ण है क्योंकि पर्यावरण में संपोषण विकास को लेकर ये पहला वैश्विक मंच था और इसने अवर कॉमन फ्यूचर नाम से एक कहा जाए तो मसौदा या एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिसमें संपोषणीय विकास को तर्ज दिया गया। इसी में एजेंडा 21 को निर्मित किया गया और जिसको फिर आगे चल के रियो की लगातार हुए सीरीज, यानी अर्थ में जिसे कहा जाता है या यूएन सेट के नाम से जाना जाता है, 1992 में अपनाया गया। अगर हम एक मिनट के लिए रियो सीरीज की यानी अर्थ समिट की बात करें तो 1992 में एजेंडा 21 रियो डी जेनेरो यानी कि यूएन सेट इन अर्थ समिट में अपनाया गया। उसके बाद 5 वर्ष बाद 1997 में एजेंडा 21 की समीक्षा की गई और इसमें कई बातें जुड़ी, वैश्वीकरण और विश्व में बढ़ती हुई
को दूर करना, आय के आधार पे और लगातार वैश्विक पर्यावरण को जो क्षति पहुंच रही थी उस पर रियो 5 का गठन किया गया। इसके बाद अगले 5 वर्ष बाद सन 2002 में वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट नाम से रियो 10 यानी अर्थ समिट 2002 गठित हुआ, जिसमें एजेंडा 20 कल्चर यानी संस्कृति को भी ऐड कर लिया गया। इसके बाद 10 वर्षों बाद एक बार समीक्षा की गई रियो के सम्मेलन और एजेंडा 21 की प्रगति का, जो 2012 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें काफी कुछ नया करने का प्रयास किया गया, परंतु देखा गया कि एजेंडा 21 उतना कामयाब नहीं था। अतः वापस पीछे लौटेंगे तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे चलते हैं, जो कि 1987 में गठित किया गया। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सबसे महत्वपूर्ण जो जिस कारण से जाना जाता है वो है ओजोन परत की छह के दृष्टिकोण से इसे गठित किया गया था। ओजोन परत के ऊपर सचेतता के लिए वियना सम्मेलन 2 वर्ष पहले 1985 में गठित किया गया, जिसमें देखा गया कि वैश्विक समुदाय सचेत तो रहा है लेकिन रक्षात्मक रूप से कोई उपाय नहीं अपना रहा है। इसलिए वैश्विक समुदाय को एक एग्रीमेंट एक ट्रीटी के तहत बांधा गया और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाने के लिए वैश्विक समुदाय को एक प्रकार से एक स्थान पर लाकर खड़ा किया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के द्वारा। इसके बाद एक वर्ष बाद 1988 आईपीसीसी का गठन किया गया, जो विश्व की दो बड़ी संस्थाएं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम को मर्ज करके बनाया गया था, जो एक वैश्विक अंतर सरकारी संस्था थी जिसमें वैज्ञानिक स्तर पर विभिन्न देशों के वैज्ञानिक एक साथ पर्यावरण की विकास के और संरक्षण के दृष्टिकोण से एक मंच पर एकत्रित होते हैं। इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज के नाम से इसे गठित किया गया। तो इस प्रकार से आईपीसीसी ने इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसके बाद भारत और कनाडा के बीच में एक एनवायरमेंटल फैकल्टी 1995 का गठन किया गया, जो एक प्रकार से भारत और कनाडा के मध्य एक मेमोरेंडम यानी ज्ञापन था, जिसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के आदर्शों को काफी हद तक दोनों देशों ने अपनाया और विश्व को पर्यावरण के दृष्टिकोण से स्वयं जागरूक करना और एक प्रकार से रणनीति बनाना, कई योजनाएं बना करके आपस में एक आदर्श प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इसके बाद जो अगला बहुत महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल था वो था क्योटो प्रोटोकॉल, जिसके विषय में मैंने आपको लास्ट क्लास में इन डेप्थ एनालिसिस किया था। 1997 में गठित हुआ था और जिसका मुख्य उद्देश्य था ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। अब ये देखा जा रहा था कि ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ती जा रही है और उनकी वजह से पर्यावरण में प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है, ग्रीन हाउस क्या होता है, इसके पीछे मैंने पूरा एक वीडियो भी बना रखा है और इन डेप्थ आप लोगों को एक्सप्लेन भी करा है, सो पता होगा ग्रीन हाउस क्या है। तो ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ती जा रही है, इसके लिए कार्बन प्रोटोकॉल अपनाया गया, कार्बन कार्ड लिमिट तय की गई कि विश्व के सभी देश एक बराबर से कोटे में कार्बन का एमिशन करेंगे, और ये एक प्रकार से विकसित देशों की एक चाल थी जिसमें छोटे छोटे देशों को में अपना व्यापार बढ़ाना और छोटे देशों को अपना एक प्रकार से गढ़ बनाना और छोटे देशों के माध्यम से अपने आप का लाभ अपने अपना विकास करना, ऐसी सारी योजनाओं के तहत कार्बन के एमिशन को और बढ़ाया गया। इसके द्वारा कार्बन एमिशन को रोका नहीं जा सका, ये मात्र एक छलावा था। कार्बन पॉलिसी मैंने आपको इसके विषय में लास्ट क्लास में बताया था। तो चलते हैं आज नए टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, दैट इज बेलेजियो डिक्लेरेशन 2002। क्योटो प्रोटोकॉल, स्टॉकहोम सम्मेलन, उन सब की एक वीडियो की सीरीज मैंने आपके लिए प्रस्तुत कर दिया है। अब मैं जो आज आपके लिए बताने जा रहा हूँ एक छोटा सा एग्रीमेंट, जो सन 2002 में एक एग्रीमेंट या एक घोषणा पत्र कह सकते हैं निर्मित किया गया ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को लेकर के, दैट इज बेलेजियो घोषणा पत्र, बेलेजियो डिक्लेरेशन 2002, उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात ये इसका प्रमुख मुद्दा क्या था, तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना।
ग्रीन हाउस गैसों पर इससे पहले जो कहा जाए तो वैश्विक समुदाय की क्लिप हुआ था वो क्योटो प्रोटोकॉल था, जिसमें एक 5 वर्ष पहले यानी 1997 में ग्रीन हाउस गैसों को कम करना, उसको उसकी मात्रा को प्रकृति में कैसे कम किया जाए, इसके लिए कार्बन क्रेडिट कार्ड योजना, कार्बन पॉलिसी, कई चीजों को लेकर वैश्विक समुदाय एकीकृत हुआ था, जिसमें एक प्रकार से विकसित देशों ने अपना उल्टू सीधा करना, या यूं कह सकते हैं कि छोटे और गरीब मझोले अर्ध विकसित देशों पर अपने उद्योग को स्थापित करके कार्बन एमिशन की मात्रा को अपनी भूमि से कम करके दूसरे की भूमि पे बढ़ा करके क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, यानी कि उनके क्रेडिट पर अपने कार्बन एमिशन को करना, इस प्रकार की योजनाओं के तहत बेवकूफ बनाया। इसीलिए वैश्विक समुदाय को एहसास हुआ कि कुछ इस पर और करना चाहिए, सचेतना चाहिए, तो एक बैलेजियो घोषणा पत्र 2002 में दिया गया, जो कि ग्रीन हाउस गैसों की उत्सर्जन की मात्रा को कमी करना। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट तो इसका यह है, सन 2002 में ही हुआ। दूसरा जो पॉइंट यहाँ पे बनता है वो ये बनता है कि ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रिड्यूस करना, तो या इसका लक्ष्य था, दैट इज ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रिड्यूस करना। और एक असाधारण दस्तावेज जिसमें जारी किया गया, जिसे बेलुजी घोषणा पत्र कहा जाता है, इसमें दुनिया भर के मोटर वाहनों और यातायात ईंधनों के नियामक सिद्धांत दिए गए। एनर्जी फाउंडेशन के तत्वाधान में इटली के बेलुजी शहर में इसे आयोजित किया गया, और एक प्रकार से देखें तो अमेरिका फिर एक बार यहाँ पर ये दिखाना चाह रहा था कि वैश्विक समुदाय कितना प्रतिबद्ध है, कितना वो सचेत रहा है, और सम्मेलन करके इटली में इस बात को दर्शाना कि हम बहुत चेतनायुक्त हैं। और किस फाउंडेशन के तहत? एनर्जी फाउंडेशन, जो कि अमेरिका का है। तो यहाँ पर जो अगला पॉइंट बनता है वो है एनर्जी फाउंडेशन ऑफ अमेरिका, एनर्जी फाउंडेशन, और ये अमेरिका का है। इसने इटली में, बेलुजी एक्चुअली इटली का एक शहर है, इटली में इसे गठित किया, बनाया, विकसित किया। विकासशील एवं विकसित देश दोनों तरह के देशों को विश्व के उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी इंजनों का प्रयोग करने का निर्देश दिया गया। इसमें यह बात रखी गई कि हम फ्यूल्स के अन्य साधनों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि कार्बन एमिशन की मात्रा अगर हाइड्रोकार्बन से ज्यादा हो रही है तो हम हाइड्रोकार्बन की मात्रा का कम प्रयोग करें, और सोलर एनर्जी और बहुत से अन्य जैसे विंड पावर, बायोमास एनर्जी, बहुत से अन्य संसाधनों का प्रयोग करके हम इसकी मात्रा को कैसे घटा सकते हैं, किस प्रकार से इनको रिड्यूस किया जा सकता है जिससे विश्व को बचाया जा सके, इस हेतु बेलुजी घोषणा पत्र किया गया था। तो देखिये सब छोटे छोटे हैं, काम आते हैं मैथ द फॉलोइंग के एग्जाम में, मैथ द फॉलोइंग के पॉइंट ऑफ व्यू के एग्जाम में देखा जाता है कि 3-4-5 ऐसे एक तरफ समिट्स और आयोग लिख देंगे, और दूसरी तरफ ईयर्स होगा या उनका स्थान होगा या वो किस विशेष यूज के लिए जाने जाते हैं, जैसे बेलुजी घोषणा पत्र, कार्बन एमिशन या ग्रीन हाउस गैसों के एमिशन को रिड्यूस करना हुआ। इसी तरीके से पूर्व में जो सम्मेलन हुआ था 5 वर्ष पहले क्योटो प्रोटोकॉल, उसका भी उद्देश्य था ग्रीन हाउस गैसों के एमिशन को कम करना। इस प्रकार से ओजोन डिप्लीशन के लिए क्या था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या था, ये सारे आयोग एक एक अपना इम्पोर्टेंस रखते हैं। समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ दिक्कत तो है नहीं? क्लियर सर? इसको इटली में बोलते हैं, इटालियन में बोलते हैं बेलाशियाओ सर, इसको बोलते हैं सर, उनके लक्ष्य इटली में है ना सर। सर एक्चुअली बेलाशियाओ ने उनका प्रीच होता है सर, वो सर उसको बोलते हैं सर, वही मैं सोची मैंने कहाँ पढ़ा है सर, बेलाशियाओ बोलते हैं उसको, बेलाशियाओ सिटी। अच्छा, इटली में, स्पेनिश में होगा सर, लैंग्वेज उनका ट्विस्टेड होता है ना सर, तो वो लोग शियाओ को शियाओ कहते हैं सर, मैंने पढ़ा था इसको सर, तो वही मुझे याद आ रहा था, बेलाशियाओ। चलिए कोई बात नहीं, बेलाशियाओ या बेलेजियो, लेकिन 2002 और ग्रीन हाउस गैसों के एमिशन के लिए इसको ध्यान रखिए, ठीक है? चलिए और यस,
एक और समिट को आज करा देते हैं, पीपल्स वर्ल्ड वाटर फोरम। एक्चुअली स्टूडेंट्स आर नॉट प्रॉपर्ली कमिंग, सो एक इंटरेस्ट पॉइंट नहीं लगता कि बच्चे लगातार भी प्राइवेटाइज हो जाएगी। सर गवर्नमेंट जॉब के लिए जो बच्चे मेहनत करते हैं सर, जो सिविल ब्यूरोक्रेट्स होंगे सर, वो भी आधे सर सेमी में रहेंगे, तो सर उनका जो वर्किंग आवर होगा सर वो अब गवर्नमेंट वाला नहीं रह जाएगा सर, मैं ऐसा सोच रही थी। और सर एक क्राइटेरिया होता है डिसइन्वेस्टमेंट का, सर इनको डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहिए सर। जैसे कि अभी जैसे सर चंद्रयान 3 है कर रहे हैं, तो सर चंद्रयान 3 का पैसा इनको कहीं एलोकेटेड जगह लगाना चाहिए सर, जिसकी जरूरत है गवर्नमेंट को सर, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि सर अभी चंद्रयान वन इज नॉट सो मच इम्पोर्टेंट देखा जाए सर, अभी इम्पोर्टेंट क्या है हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई का होना, इंजेक्ट होना, क्योंकि सर पैसे की कमी बहुत है उस हिसाब से देखा जाए। ये समय हम पिकनिक करें और सर, समय हम दर्शन करने जाए ये इम्पोर्टेंट नहीं, इस समय हम घर में, इस समय हम बच्चों की फीस दें, मतलब समझ रहे कैसी सिचुएशन चल रही है। तो एक परिवार भी बच्चों के फीस के अनाज पर सोच रहे हैं, वो वैष्णो देवी दर्शन करने और शिरडी धाम जाने की अभी वो नहीं सोच रहा है। तो उसी तरीके से सरकार को चंद्रमा पे जाना, चंद्रमंगल का पीछा करना, ये सारी चीजें, क्योंकि चंद्रमा कहीं चला नहीं जाएगा, मंगल कहीं भाग नहीं जाएगा, 2 साल बाद भी वही रहेगा, आप उसको अगले आने वाले 5 साल के लिए सब आप इसरो में जो भी एक्टिविटीज हैं उनका डेवलपमेंट अभी रोक दीजिए, ठीक है। वो सारे लोग जो अपना काम कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए, रिसर्च वर्क करते रहने दीजिए, पीएचडी वर्क करने दीजिए दीजिए, अगर करना है, अगर करना है तो ये जो 4G और 5G 6G टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन क्षेत्र बहुत कमजोर हो गया है सर, यही थी सर। अभी हमें सिर्फ प्रायोरिटी चीजों को देखना चाहिए, क्योंकि सर जब ये कह रहे हैं कि पैसे की कमी है तो फिर वो पैसे को उस जगह पहले लगाएं जिससे हमें बेनिफिट हो, पहली चीज, और सेकंड थिंग कि जिससे लोगों को फायदा हो। क्योंकि सर जब तक वो इंटरनल डिमांड को पूरा नहीं करेंगे सर, एक्सटर्नल हम कर ही नहीं सकते हैं कुछ भी, हम वर्ल्ड लेवल तक पहुंच ही नहीं सकते सर। अभी हमारी इंडिया क्या कर रही है, वर्ल्ड स्तर को देख रही है अपने लोगों को अवॉइड करके, तो सर उससे इकोनॉमी कभी स्टेबल नहीं होगी सर। हम लोग अपनी इंटरनल फ्लक्चुएशन को करके बाहर का हम इक्वल नहीं कर सकते सर। जैसा मैंने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, सबसे पहले हमें इंटरनल डिमांड करनी चाहिए थी। बिल्कुल यही इम्पोर्टेंट है ना, इस समय अगर करना है तो भाई देखिए अगले 6 महीने से हम लोग जो सबसे बड़ा स्ट्रगल है वो है ऑनलाइन क्लासेस। हम ऑनलाइन ग्रुप से बात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि डायरेक्ट होम सेवा हमारे पास उपलब्ध नहीं है, जो गवर्नमेंट के पास है। सरकार जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करती है तो डायरेक्ट टू होम सेवा से, अगर मोदी जी को कुछ बात बोलना है तो वो एक नेशनल न्यूज चैनल पे आकर बोलते हैं जिस पर बफरिंग नहीं होती, घर में टीवी में आसानी से पहुंच जाता है। लेकिन अगर वो जूम और इस तरह से गूगल मीट से हमसे बात करना चाहें तो उनको समझ में आ जाएगा कि कितनी वास्तविकता है और क्या क्या हम कर रहे हैं। तो वास्तविकता को देखिए, आम आदमी से आप चाहते हो कि वो आत्मनिर्भर बने, गूगल मीट करे, ऑनलाइन क्लास करे, कैसे आप ऑनलाइन क्लास को इतना मजबूत बना दीजिए कि वास्तविक रूप से आने वाला भविष्य सिर्फ ऑनलाइन का हो जाए। इतना आनंद आए लोगों को घर में पढ़ने के लिए कि वास्तव में बच्चों को लोग स्कूल ना ले जाए और कहें कि बस टीवी लगा दिया कमरे में पढ़ो, घर में पढ़ने की सुविधाएं बढ़ा दीजिए, विश्वविद्यालय में जाना जरूरी नहीं रह जाए। और आप एनरोलमेंट को बढ़ाना चाहते हो, आप कहते हो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो गिर रहा है, इसको उठाना है, इसका सबसे सुंदर रास्ता है ऑनलाइन टेक्नोलॉजी पर क्लास। अगर ऑनलाइन टेक्नोलॉजी स्ट्रांग हो जाए तो JNU 10 लाख एडमिशन करे हर साल, दिल्ली यूनिवर्सिटी 5 लाख एडमिशन करे हर साल, और वहां के प्रोफेसर घर घर पहुंच के पढ़ाए। एक ही प्रोफेसर क्वालिटी दे सकता है और उस प्रोफेसर की सैलरी आप 5 लाख कर दो और बहुत बढ़िया काम करेगा, बहुत अच्छा पढ़ाएगा और हर घर में बच्चे पढ़ लेंगे, ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी विकसित करे। लेकिन आज क्या है कि अगर हम ऑनलाइन क्लास देना चाहते तो आप देख लो क्या स्थिति है, कोई वेबिनार अच्छा नहीं हो रहा है, कोई क्लास अच्छा नहीं हो रहा है। हम किस तरीके से क्लास ले रहे हैं हमें पता है कि जूम कब भाग जाएगा, कब बंद हो जाएगा, कब ऑनलाइन प्रॉब्लम हो जाएगी, आवाज कब खड़बड़ाने लगेगी, हमारा बात आप तक नहीं पहुंच पाएगा, कई ऐसे इश्यूज हैं जो कि प्रॉब्लमेटिक है।
इसलिए देयर शुड बी सम चेंजेस गवर्नमेंट को यहीं पर सारा पढ़ी नहीं है लिटरेसी डे सर. अभी जो 6 सितंबर सर हमारा लिटरेसी डे था सर, उसमें एनएसओ ने निकाला डेटा सर, बहुत नहीं बढ़ी है सर, 12% 14% बढ़ी है सर, 77% है, जिसमें सर सबसे पहले नंबर पे केरला है. एज ऑफ कोर्स केरला की तो लिटरेसी रेट हमेशा ही अच्छी रही है. और सर सबसे वर्स्ट परफॉर्मर अरुणाचल प्रदेश है 66%, इवन सर वो बिहार से भी वर्स्ट निकला है लिटरेसी रेट सर. उसका रीजन भी दिया है बच्चों ने सर, उसका वो था कमेंट था सर कि ड्यू टू ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि सर कोई भी अटेंशन ऑनलाइन क्लासेस को नहीं दी जा रही है इंटरेस्टिंग बनाने के लिए. बिल्कुल गवर्नमेंट इस पर कुछ नहीं कर रहा. 6 महीने में हम सोच रहे थे कि सरकार कुछ 5G लाएगा या कुछ ऐसा कर देगा. सरकार कह रहा आत्मनिर्भर बन जाओ, लेकिन गवर्नमेंट किसी प्रकार का इकोनॉमिक बेनिफिट किसी को नहीं दे रहा है कि वो मोबाइल फोन बच्चे दे दे. कितने बच्चे हैं पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो तकलीफ हो रहा है. वो ये कह रहे हैं हमारे पास तो एंड्रॉइड फोन है ही नहीं, हम कहाँ से ले लें. हमारी स्थिति नहीं है कि हम 10,000-12,000 का फोन ले लें, MI का फोन. अब MI का नाम सुन के अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो चाइनीज फोन है. चाइनीज फोन एक बार तो हम स्थगित कर सकते हैं, हम चलिए सैमसंग एफर्ट कर लेंगे, हम सब कुछ कर लेंगे. बट एक जो बच्चा बड़ी मुश्किल से एक फोन अरेंज कर रहा है, वो कैसे एंड्रॉइड खरीदेगा? और अगर वो इंडिया का खरीदता है तमाम प्रकार के, तो वो उतना सपोर्टिव नहीं है. तो इस प्रकार से देखे तो मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर, ये सारी चीजें कब प्रोग्रेस हो पाएंगी? तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि टेक्नोलॉजी में पैसा लगाए, ऑनलाइन क्लासेस नेटवर्क को इतना सुदृढ़ इतना स्ट्रॉन्ग कर दे. 5G कब आएगा? हमारे समय में नहीं आया, 5 से 6 महीना इतनी स्ट्रगलिंग में बीता, इस समय 5G नहीं आया तो कब आएगा? और लाएंगे तो सिर्फ जियो लाएंगे, और कोई नहीं ला सकता है. BSNL ये काम नहीं कर सकता है. सरकार भी बड़े से बड़े मंत्री के और बोलने के लिए है कि कुछ करने के लिए भी है. तो ये सारी चीजें क्राइसिस है, ये सारी चीजें बड़ा ही मन को सैडी बनाता है कि गवर्नमेंट इधर कुछ नहीं सोच रही है. और सब कुछ गवर्नमेंट से हम क्यों अपेक्षा करते हैं? क्योंकि सारी चीजें तो गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले रखा है. तो गवर्नमेंट के हाथ में है तो वही तो कर सकता है. हम कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का काम, अब कुछ नहीं कर सकते हैं हम. मनमोहन सिंह जी ने बोला था सर, वो 3 रेमेडी LPG के थ्रू जो 1991 में इन्होंने किया था सर, कि 49% प्राइवेट और 51% गवर्नमेंट को दिया था सर. इस तरह से ही उनको वो डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहिए सर, ताकि फ्यूचर में जब प्रॉफिट मिले तब सर वो और जगह को डाइवर्सिफाई कर दे अपना इन्वेस्टमेंट सर. अभी सब उसी चीज में लगाए जो हमें जरूरत है सर. जहाँ तक मुझे सर उनका ज्यादा ओपिनियन बेटर है सर, उनका है सर. रघुराम राजन ने बहुत अच्छा बोला सर, लेकिन सर उनकी चीजें मानते ही नहीं सर, वो अपना ही RBI सर, उनकी उन्हीं की बात सर, ओपिनियन की बात है ना सर, समझने की. अब वो नहीं है लाठी उसका भैंस, और जब अब वो सुनना ही नहीं है किसी की, सब कुछ अपना डिसीजन ही लेना है, तो कोई बात ही नहीं है. डिसीजन से लेकर आज तक सारे डिसीजन गवर्नमेंट ने एक दिन में अपने आप ले लिया, बिना दूरदर्शिता के ले लिया. इवन जब आप नई सिचुएशन संभाल सकते थे, तो आपको लॉकडाउन लगाने की जरूरत ही नहीं है. ना लॉकडाउन लगा के नई सिचुएशन दुर्गति क्या थी? ठीक है, बीमारी या प्रॉब्लम्स फैलता, लेकिन कौन सा आज आपने रोक लिया है? और अगर आप ना लॉकडाउन लगाते हैं, तो इकॉनमी तो जैसी थी वैसी चलती रहती. व्यक्ति फेस करने लायक तो स्ट्रॉन्ग बना रहता. आपने सबकी इकॉनमी चरमरा दी, सबकी इकॉनमी चरमरा दी, और उसके बाद सबका हेल्थ भी चरमरा गया. तो बचा क्या फिर? ना हेल्थ रहा ना वेल्थ. सो यहाँ पर कमजोर है गवर्नमेंट, सो की कमी है. ये सबसे ना खाली चली नहीं, कुछ और कवर कराना है आज के टॉप और कवर कराते हैं. भी मैंने कई एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स या समिट्स पर चर्चा किया है, जैसे बेलेजियो घोषणा पत्र सन 2002 में, और क्योटो प्रोटोकॉल 1997, इससे पहले मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वियना सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन. तो उसी प्रक्रिया के अंतर्गत हर एक सम्मेलन का अपना एक उद्देश्य, अपना एक महत्व रहा है. तो भारत ने भी कुछ स्टेप उठाते हुए यहाँ पर वैश्विक प्रयास या विश्व के प्रति सचेतता या पर्यावरण को संरक्षण के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पीपल्स वाटर वर्ल्ड वाटर फोरम 2004 में किया. विश्व में जल समस्याओं के समाधान के लिए इसे जनवरी 2004 में
पीपल्स वर्ल्ड वाटर फोरम के नाम से आयोजित किया गया। सम्मेलन में पानी के निजीकरण के मामले में विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन के जन विरोधी अभियानों की आलोचना करते हुए यूरोप और अमेरिका के जल विशेषज्ञों ने कहा कि यह संगठन पानी के उत्पादन, वितरण और प्रबंधन को निजी हाथों में सौंपने की साजिश रच रहा है, जबकि स्थानीय समुदाय सक्रिय भागीदारी कर जल प्रबंधन को कारगर व ज्ञानोपयोगी बना सकता है। देखिए एक्चुअली यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है, विश्व बैंक है, विश्व व्यापार संगठन ने एक अभियान चलाया जिसके तहत ये बात रखा गया कि पानी के निजीकरण को कर दिया जाए। ये देखा गया कि जो लगातार जल स्तर है वो गिर रहा है, तो जो वाटर लेवल है वो डाउन होता जा रहा है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे दिल्ली में ही बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर वाटर लेवल जीरो हो गया है। अब वहां पानी पहुंचाने के लिए दूसरे अन्य क्षेत्रों से पानी की व्यवस्था की जा रही है। ऐसे विश्व में बहुत से ऐसे स्थान है जो मरुस्थलीकृत हो रहा है, यानी कि सूखे ग्रस्त हो रहे हैं, और जो जल स्तर है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है। जल स्तर को घटने का जो प्रमुख कारण देखा गया वही देखा गया कि जल का बहुत अधिक स्तर पे बर्बादी, यानी जल का मिसयूज, यानी वाटर का मिसयूज किया जा रहा है। इस पर वैश्विक संगठन ने बहुत से इस पर अपने सुझाव दिए कि यहाँ पर पानी को निजी हाथों में दे दिया जाए तो जल को निजीकरण करने से लाभ ये रहेगा कि जल पर टैक्स लगेगा, ज्यादा भारी टैक्स होने की वजह से लोग उसका उपयोग सीमित मात्रा में करेंगे, जिससे कि जल का वेस्टेज रोका जा सकेगा। लेकिन जहां ये एक प्रकार से सजेशन है वहीं ये समस्या है, क्योंकि अगर देखें कि निजीकरण अगर जल जैसी आवश्यक संसाधनों का कर देंगे तो कल को ये देखा जाएगा कि जो जीवन जीने की अनिवार्य आवश्यकता है वायु और जल, इनके लिए भी व्यक्ति मुहताज हो जाएगा। यानी कि अगर किसी के पास आर्थिक समृद्धता नहीं है, अर्थव्यवस्था किसी की कमजोर है, तो जल और वायु जैसी चीजों को लेने के लिए वो तड़प जाएगा। और ऐसे में एक प्रकार से देखें तो आम आदमी की त्रासदी की कहानी की स्थिति आ जाएगी। इसलिए आम आदमी को इस प्रकार से त्रस्त ना किया जाए, बल्कि जल का संसाधन, जल का संरक्षण, जल का संवर्धन या जल को आसपास के जो स्थानीय निकाय हैं उनके प्रबंधन पर ही छोड़ दिया जाए। विश्व बैंक की दस्तावेजें यहाँ बताते हैं कि विश्व की आबादी का जो छठा हिस्सा, यानी कि 1 अरब से ज्यादा लोग निर्जल इलाके में आज जीवन जी रहे हैं। अगर उनके लिए पानी का उचित प्रबंध नहीं किया गया तो वर्ष 2025 तक पानी का संकट झेलना पड़ेगा, और प्रत्येक वर्ष लगभग 7 करोड़ लोगों की मृत्यु और बीमारियों के कारण ये जल बनता जा रहा है, यानी अशुद्ध जल। इस प्रकार से ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जल पर चिंतन व्यक्त किया जाए। अतः वैश्विक समुदाय ने इस हल को तो सुझाया, लेकिन इस हल के विरुद्ध में यहाँ पर बात को रखा गया कि निजीकरण जल जैसे अनिवार्य संसाधनों का नहीं किया जाना चाहिए, और यहाँ पर विकल्प ढूंढा जाना चाहिए स्थानीय स्तर के जल प्रबंधन के माध्यम से। तो ये एक पीपल वर्ल्ड वाटर फोरम जो भारत द्वारा किया गया, एक क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये जल प्रबंधन पर देखिए यहाँ पर ये बात रखा वैश्विक समुदाय ने कि जल को जो है वो निजीकरण, देखिए निजीकरण हमेशा फलदायी हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि एक स्तर तक निजीकरण अच्छा होता है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद निजीकरण जो है वो एक प्रकार से नुकसानदायक है। जैसे एग्जाम्पल आप देखिए, आज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम भारत सरकार के सामने है वो इकोनॉमी की, इकोनॉमी हमारी कमजोर हो गई। कारण क्या है, आय के सभी संसाधन हमने बंद कर दिए। सरकार ने आय का जो सबसे बड़ा स्रोत हो सकता था, अगर अंबानी जी का पूरा पैसा देख ले और ये अगर भारत की इकोनॉमी में होता तो क्या सरकार का विकास ना हो पाता, क्या सरकार स्ट्रॉन्ग ना हो पाती। तो इस सारे पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखा जाए तो इकोनॉमी यहाँ पर बहुत कमजोर हुई निजीकरण की वजह से। अगर BSNL ने इतनी आमदनी की होती तो आज सरकार कितनी मजबूत होती, और सरकार मजबूत होती तो जनता के सामने इस तरह त्रासदी ना हो, जनता के सामने इस प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए आज यहीं पे रोक देते हैं क्लास को, तो फिर आगे करेंगे, कल क्लास देखेंगे। अगर लोग आते हैं तो मैं इसे थोड़ा थोड़ा टकराता चलता हूँ, फिर आगे देखा जाएगा। ठीक है, रखते हैं फिर। हाँ, थैंक यू सर। ओके।